फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ, स्पेशली बिगिनर्स के लिए जो हिंदी से इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, हमने टेंस वगैरह सब पढ़ लिया, हमने पहचान वगैरह सब कुछ याद कर ली, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी गलती की वजह से हमारे सेंटेंस गलत हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको हिंदी में बोलूँ कि मेरे पापा मुंबई गए हैं, मेरे पापा मुंबई गए हैं, अगर टेंस हमें पता है तो गए हैं यानी कि जा चुके हैं मुंबई, तो चुका है चुकी है वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यानी हैव हैज के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, माई फादर हैज गॉन टू मुंबई। बिल्कुल सही है, कोई माइक का लाल इस सेंटेंस को गलत नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ये सेंटेंस कभी कभी गलत हो सकता है, और यही गलत फहमी हमें दूर करनी है कि ये सेंटेंस गलत कैसे है। आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं आपको, आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की गलती आप कभी भी नहीं करेंगे, लाइफ टाइम में कभी भी गलती नहीं करेंगे इस तरह की। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बगल में एक बेल आइकन है आप उसे भी दबाइए, ताकि आने वाली वो सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम पे मिल जाया करे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको ये बता रहा था कि मेरे पापा मुंबई गए हैं, माई फादर हैज़ गॉन टू मुंबई, ये सेंटेंस कभी कभी गलत हो सकता है। आइए पहले इस सेंटेंस को हिंदी में समझते हैं। मेरे पापा मुंबई गए हैं, इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि मेरे पापा यहाँ नहीं हैं, कहाँ हैं, मुंबई में हैं। तो हम बोलते हैं, कोई हमसे पूछता है कि आपके पापा कहाँ हैं, तो हम बताते हैं कि मेरे पापा मुंबई गए हैं, यानी वो अभी मुंबई में हैं। एक मतलब तो ये। दूसरा मतलब ये है, मेरे पापा मेरे घर पे हैं या कहीं पे भी है, ऑफिस है, यहाँ वहाँ, मतलब हैं, आसपास में ही हैं मेरे, मुंबई में नहीं हैं। मुंबई तो गए थे लेकिन मुंबई से आ चुके हैं वो, और कब का आए, वो हो सकता है आज भी आए, मतलब मुंबई से वो आ चुके हैं। और तब मेरे से कोई पूछता है कि क्या आपके पापा मुंबई गए हैं, तो जवाब मैं देता हूँ, हाँ मेरे पापा मुंबई जा चुके हैं, मेरे पापा मुंबई गए हैं, एक बार नहीं कई बार गए हैं, मेरे पापा मुंबई गए हैं, मेरे पापा मुंबई जा चुके हैं, सेंटेंस वही है हिंदी का। लेकिन यहाँ पे अगर हम बोल देंगे कि माई फादर हैज़ गॉन टू मुंबई, तो गलत हो जाएगा। फिर इसके बदले क्या होगा, तो इसके बदले है हमारे पास बीन, यानी गो के बदले हम बी यूज करेंगे, तो माई फादर हैज़ बीन टू मुंबई, यानी गॉन टू के बदले हमें क्या लगाना है, बीन टू। जब भी ट्रेवल एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, ठीक है, जैसे आपका ट्रेवल एक्सपीरियंस हो सकता है नेपाल का, लंदन का, अमेरिका का, और भी बहुत सारी जगह है, तो ट्रेवल एक्सपीरियंस बताना हो तो हम गॉन नहीं बताते, क्योंकि उस वक्त वो बंदा वहाँ नहीं होता है, उसका सिर्फ एक्सपीरियंस बताते हैं हम कि हाँ मैं तो नेपाल कई बार गया हूँ, जब मैं बच्चा था तो मैं तो कई बार गया हूँ नेपाल, आई हैव बीन टू नेपाल मेनी टाइम्स इन माई लाइफ, बट माई सन हैज़ नेवर बीन टू विलेज, मेरा जो बेटा है वो गांव कभी नहीं गया, वो अपने नेटिव विलेज कभी नहीं गया, ही हैज़ नेवर बीन टू हिज विलेज, बट ही हैज़ बीन टू यूपी उत्तर प्रदेश मेनी टाइम्स, वो उत्तर प्रदेश कई बार गया, ही हैज़ बीन टू बलिया मेनी टाइम्स, वो बलिया कई बार गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन बीन टू एंड गॉन टू। याद रहे, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा लास्ट में जाने से पहले, कि अगर हमें ट्रेवल एक्सपीरियंस बताना है तो गॉन टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, बीन टू, और उसके बाद हम प्लेस का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।